रसिक बेसरा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 7 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। दुमका जामा प्रखंड के अंतर्गत नाचनगढ़िया पंचायत के लक्कड़जोरिया मैदान में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय रसिक बेसरा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट प्रारंभ किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन फुटबॉल में किक मारकर ट्रस्ट की संचालिका डॉक्टर स्टेफी टेरेसा मुर्मू ने किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर ट्रस्ट की संचालिका डॉक्टर स्टेफी मुर्मू ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं में खेल के प्रति अभिरुचि जगाना एवं उन्हें खेल के जरिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। खबर 365 न्यूज के लिए दुमका से बीरबल दास की रिपोर्ट। जोहार सबों को और आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबों को शुभकामनाएं। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके ज़रिए हमारा एक मुहिम है जिसका नाम है आदिवासी और आज़ादी, क्योंकि आदिवासी जो संस्कृति है या आप कहें लोग हैं, उन लोगों को कई तरीके की आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन बहुत सारी आज़ादी है जो अभी तक हासिल नहीं हुई। तो ये हमारी कोशिश है कि आज के दिन जो आदिवासी दिवस है इसके दिन हमने ये शुरुआत की है और ये आज़ादी यानी 15 अगस्त को ख़त्म होगा, तो ये पूरा टूर्नामेंट तब तक जाएगा। इसके जो उद्देश्य है इसके पीछे वो हमारा ये है कि यहाँ के बच्चे हैं ये बहुत टैलेंटेड है, फुटबॉल एक उनका माध्यम है अपने टैलेंट को दिखाने का, तो हम उस टैलेंट को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम उनको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, और ट्रस्ट की बस यही कोशिश है। जी, आप एक बार अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर स्टेफी टेरेसा मुर्मू।